हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैं एक आदरणीय, जो लोग इधर खड़े हैं दाहिने हाथ मेरे, आप जाके पीछे कुर्सियों पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारी उत्तराखंड की महिलाओं की शान का प्रतीक है। उत्तराखंड आगमन की सारा उत्तराखंड दूर दूर गांव गांव में हमारी बहनें भाई बुजुर्ग बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और हमारी कांग्रेस के सारे विश्वासों की थाती को अपने साथ ले करके चलने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी, नवप्रभात जी, हमारे सम्मानित प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सभी सम्मानित प्रभारीगण और दूर दराज जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रियंका जी को सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, वो मेरे बहुत आदर योग्य बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस परिवार का यहाँ पर उपस्थित लोगों में बड़ा होने के नाते मैं अपने चारों धामों की तरफ से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ, बागनाथ, जागनाथ, नाथों के नाथ महादेव के को प्रणाम करते हुए, प्रियंका जी आपको और आपके संघर्ष को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और मैं दो ऐसे उद्घोषों का साक्षी रहा हूं जिनको युगांतकारी कहा जा सकता है। इंदिरा जी ने, तब हम छात्र थे, कहा था गरीबी हटाओ। गरीबी एक पल में नहीं हटती, वो जानती थी गरीबी हटाने के लिए। आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, मगर उनका नारा युगांतकारी था। उसने प्रत्येक सरकार को मजबूर किया कि वो गरीब को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाए। और उनकी पोती ने एक इतना ही युगांतकारी नारा 21वीं सदी के भारत को बनाने के लिए दिया है, कहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। और बिना इस नारे के पूर्ण भावार्थ को समझे और उसके साथ अपने को जोड़े कोई भी राजनीतिक दल 21वीं सदी का खुशहाल भारत नहीं बना सकता, खुशहाल उत्तराखंड नहीं बना सकता है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। भगवान आपको शक्ति दे और आप राहुल जी के साथ मिलकर
कांग्रेस को 2024 में फिर से सत्ता में लाए, ताकि आपकी दादी के नारे को, युगांतकारी नारे को, आपके नारे किसान नारी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ मिलाकर हम 21वीं सदी का खुशहाल भारत बना सकें। ये मेरा वादा आप सब अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी है। आज हमने प्रियंका जी को इसलिए आमंत्रित किया, हमारी नारी शक्ति को भी एक नई स्फूर्ति की जरूरत है, एक नई प्रेरणा की जरूरत है। हमारा उत्तराखंड अपने नारियों का, वीर नारियों का बहुत बहुत आभारी है। वही हमारे प्राणाधार हैं, वही हमारे जीवनाधार हैं। हमारे उत्तराखंड को यदि ये पहचान है आज इस देवभूमि को, तो उसमें हमारे बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद योगदान हमारे वीर सैनिकों का है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का है, हमारे राज्य आंदोलन के सिपाहियों का है। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज हम प्रियंका जी के माध्यम से, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कन्या जिसकी शुरुआत करती है तो शुभ ही शुभ होता है, तो आज हम अपने एक संकल्प को, जिसको हमने कहा है कि उत्तराखंड का सम्मान, चार धाम हजार काम, हमारे घोषणा पत्र समिति के सब सदस्यगण नवप्रभात जी के नेतृत्व में आज उस संकल्प को लेकर के, उस संकल्प पत्र को लेकर के, मैं तो उसको सीधी सादी भाषा में, आप सबके समझने की भाषा में घोषणा पत्र ही कहूंगा, उसको लेकर के आए हैं। और आपके हाथों जब हम उसको लोगों को समर्पित कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के सामने समर्पित कर रहे हैं, प्रियंका जी, हम सब जो मंचासीन लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम प्राण प्रण से भी इस घोषणा पत्र को अक्षर अक्षर लागू करेंगे, पूरी तरीके से लागू करेंगे। आप सोनिया जी, आप सोनिया जी को बता दीजिएगा ये हमारा संकल्प, क्योंकि वो बहुत चिंतित रहती है, जो कहो उसको करो। आज हमारा ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में हमने अपने पिछले, जब भी यहां सत्ता में कांग्रेस रही 2002 से लेकर 2013 14 15 16, उन सब जनोन्मुखी कार्यों का जिक्र करते हुए उसकी बुनियाद पर आपसे ये हजारों वादे किए हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, एक एक वादे में हमारा पिछला रिकॉर्ड साक्षी है। हमने उत्तराखंड को एक नई दिशा बनाई है, एक मजबूत नींव डाली है। आप 2022 में हमारे हाथ में दीजिए बागडोर, इस निकम्बी अकर्मण्य सरकार से छुटकारा दिलवाइए, जिसके मुख्यमंत्री को इतने ही अल्प कार्यकाल में खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा मिल जाती हो। यदि कहीं ज्यादा समय मिल जाता तो हो सकता है बालू बदरी के साथ हमारे खेतों की मिट्टी को भी बेच डालने का काम करते, हमारी छाती को भी बेच डालने का काम करते। और इन्होंने शुरुआत कर दी थी जब इन्होंने विशेष रूप से सम्मिलित हैं, हमने 3 प्रकार की पेंशनों को बढ़ा करके 18 प्रकार की पेंशनें की, अब हम 21 प्रकार की पेंशनें लागू करेंगे। जो 1000 मिलता था उसको 1800 में पहुंचाने का काम करेंगे। हम हर किसी को जोड़ेंगे। हमने पहले कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में, हमारी सरकार ने 32,000 लोगों को नौकरी दी, सरकारी मुलाजिम बनाया। हमारा रिकॉर्ड साक्षी है। यदि हम आगे के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। आज कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के सामने अपने जीवन को चलाने की। आज लोगों का मान सम्मान खतरे में है। इन 5 सालों में उत्तराखंड का कुछ नहीं बदला। यदि केवल बदले इन भाजपा के लोगों ने, तो केवल मुख्यमंत्री बदले और चेहरे बदल करके
आज फिर आपको धोखा देना चाहते हैं, फिर आपको धोखा देना चाहते हैं। अरे भेड़िया साधु का बाना पहन करके साधु नहीं हो जाता है। भाजपा के लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति कार्यक्रम है, हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, हम उसके बल पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि चार धाम हजार काम, और जिसके चार पुष्प हम पहले ही अर्पित कर चुके हैं, भगवान बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, गंगोत्री और यमुनोत्री को, इस पुण्य भूमि को, वो चार पुष्प हैं। पांच साल में हम देंगे रोज 4 लाख रोजगार, स्थायी रोजगार, रिक्त पदों को भरेंगे भी, नए पद सृजित भी करेंगे, मगर स्वरोजगार के बल पर हम 4 लाख 5 साल में रोजगार सृजित करेंगे जो स्थायी नेचर के होंगे। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ढांचा चरमरा गया। प्रीतम ने अभी कहा, प्रीतम सिंह जी ने, कि किस तरीके से कोरोना काल में हमारे भाइयों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। देश के अंदर प्रियंका जी दूसरे नंबर पर प्रतिशत वार सर्वाधिक मौतें उत्तराखंड में हुई हैं, छोटे से उत्तराखंड के अंदर। मैं उन सब परिवारों के प्रति, मेरा हृदय जो हमारे लोगों की सरकार की नालायकी से मर गए, हमारे बीच में नहीं है, मैं उन सबको सांत्वना देना चाहता हूं। और इसीलिए हमने अपने इन चार पुष्पों में एक पुष्प ये रखा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव गांव द्वार द्वार, नई टेक्नोलॉजी का, साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे इस काम के लिए। हमने कहा है आप सब भाई बहनों से, उत्तराखंड के लोगों से, कि उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन भाई बहनों की आमदनी बहुत कम है, जो कोरोना काल में और ध्वस्त हो गई, नोटबंदी जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे व्यापारी आजीविका पा रहे थे, गरीबी के गर्त में चले गए, हम उन सब लोगों को चिन्हित करेंगे। ये संख्या 5 लाख भी हो सकती है, 5 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। मैं अपने साथियों से समापूर्वक कहना चाहता हूं, हम इन 5 लाख लोगों को रुपया देंगे हर साल 40,000, 5 लाख लोगों को रुपया देंगे हर साल 40,000। और मैं जानता हूं मेरी बहनें चाहे किसी जगह इस समय प्रियंका जी को सुनने के लिए आई होंगी, 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 प्रियंका जी को सुनने के लिए। डर लगा रहता मन में कहीं सिलेंडर खत्म न हो जाए, गैस खत्म न हो जाए, और आप हाथ जोड़ करके कहती हैं कि सिलेंडर भैया कल खत्म मत होना, नहीं तो घर वाला जो है जब पैसा मांगूंगी तो डांटेगा, कहां से लाएगा वो पैसा। हर घर आज महंगाई से विचलित है। खाने का तेल जो हमारे समय में 58 रुपए में मिलता था, इन्होंने 200 रुपए में पहुंचा दिया। कौन सी चीज सस्ती है? आप सबके जेब से पैसा निकला है, देश के चंद खरबपतियों की जेब में गया है। इन्होंने खरबोंपति बनाए हैं, इन्होंने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है। समाज का कोई वर्ग नहीं है जो इनके कार्यकाल में गरीब नहीं हुआ। महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक बात है कि हम आपको राहत दे सकें। कांग्रेस की सरकार बनाइए, इसीलिए हमने कहा है बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपए के पार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपए के पार। रोजगार हमारा प्रमुख मुद्दा, महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, कौन सी चीज ऐसी है, कुशासन मुद्दा। हमने लोकायुक्त बनाया, गवर्नर के घर भेजा, लोकायुक्त इन्होंने बाहर नहीं निकाला। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये। आज मैं इन बड़ी बातें करने वालों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम
जो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी है बहनों के खाते में डालेंगे। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हम सत्ता में आएंगे पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री और दूसरे साल उसको बढ़ा करके 200 यूनिट तक लेकर के जाने का काम करेंगे। हम हर तरीके की स्मृति को, खुशहाली को आपके साथ बांटेंगे। लोग सवाल करेंगे कहां से लाएंगे पैसा, जब केदारनाथ की आपदा आई थी विकास दर न्यूनतम हो गई थी, राजस्व वृद्धि दर न्यूनतम हो गई थी, व्यापार ठप हो गया था, पर्यटन ठप हो गया था, ये उत्तराखंडी संकल्प था, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद था। हमारी सरकार ने 1.5 साल के अंदर स्थिति सुधारी और 2017 में हमारी जो विकास दर थी वो 11.5% थी, जो राजस्व वृद्धि दर थी वो 19.5% थी, कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर थे। जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा 1,74,000 हमने पहुंचाने का काम किया था। हम फिर से उस काम को करके दिखाएंगे, हम संसाधन जुटाएंगे, पैसा जुटाएंगे। और प्रियंका जी, आप हमारी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। हमारा पहला काम उत्तराखंड की सरकार का संसाधन संवर्धन का होगा। हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत भारत भी बनाएंगे और जितनी मजबूती हासिल करेंगे उसको अपने गरीब भाइयों के साथ बांटने का काम करेंगे। आप हमारी नेता को सुनने के लिए हम सब लोगों के साथ जुड़े, कुछ भाई बहन यहाँ जुटे, कुछ भाई बहन राज्य के कोने कोने में जुटे हुए हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हृदय से बहुत धन्यवाद देते हुए मैं माननीय प्रियंका गांधी जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जाले छा मेर बॉडा बॉडी भूली भूलिया, जहां भी हैं वहीं से ताली बजा करके जरा प्रियंका गांधी जी का जबरदस्त तरीके से समर्थन कर उनका स्वागत करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय प्रियंका गांधी। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत प्यार दिया, प्यार से मेरा स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरीश रावत जी, जिनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके अनुभव और उनके विवेक से हमेशा मैं प्रेरित होती हूँ। श्री गणेश गोडियाल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री नव प्रभात जी, श्री मोहन प्रकाश जी, श्री गौरव वल्लभ जी, आप सबका इस स्वागत में बहुत बहुत, इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और जितने हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई हमें जगह जगह में इस भाषण को देख रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी की ये भूमि है, इस भूमि का मैं नमन करती हूँ। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है, आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी,
मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबकी बातों को सुन रहे हैं, और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति जो है उसको देखकर हमेशा खुश होते थे। लेकिन आज यहाँ आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं, और जो विकास है चाहे कितना भी कोई सरकार करे वो कभी पूरा नहीं होता, तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहां उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं, इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं, सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं, सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है इनका ही इंजन ठप हो गया है। मैं जब अपनी बहनों से मिलती हूं वो मुझे बताती है कि कितनी परेशान है, और इसीलिए जब आपने आपने नारा आप कह रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्यों आप खुश होती हैं इस नारे को सुन के? क्योंकि आप जानती हैं कि आपका जीवन संघर्ष का जीवन है। आप जानती हैं कि कुछ भी हो, समाज का बोझ आप उठाती हैं, महंगाई का बोझ आप उठाती हैं, जो परिस्थितियां हैं उसका बोझ हमेशा महिला उठाती है। महिला के पास बहुत ज्यादा मौके नहीं है, महिला के पास उसको हमेशा घर भी देखना पड़ता है, चाहे वो बाहर जाके खेती में काम करे, वो घर आएगी, वो घर को भी संभालेगी, परिवार के सदस्यों को देखेगी, वो सुखी हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, सबकी सेहत ठीक है कि नहीं है। कोरोना की मार हुई, सबसे ज्यादा बोझ फिर से आपने उठाया, लेकिन आपको पूरी तरह से नकारा जाता है। जब नेता, राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो महिला की बात नहीं करती। क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हर 5 घंटे एक महिला के साथ अत्याचार होता है? हर 5 घंटे। जो पहाड़ी राज्य है, आपको मालूम है
कि कितनी मुश्किल होती है स्वास्थ्य सेवाओं के पास को मिलने की। जब आप बीमार पड़ती हैं, गर्भवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए या अस्पताल से कोई सुविधा लेने के लिए। क्या किया इस सरकार ने आपके लिए? आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में ही है। यहाँ तमाम महिलाएं बेरोजगार हैं। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका मानदेय बढ़ाया भी नहीं गया। कितना समय हो गया है, साल हो गए हैं, और उनका मानदेय वहीं का वहीं है। मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ, वहाँ आशा बहनें जो हैं, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं, खूब परेशान हैं, संघर्ष करती हैं। जब अपनी आवाज़ उठाती हैं तो पीटी जाती हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर रासुका की धाराएं लगाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि कैसी सरकार चल रही है। हर जगह बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे? ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे? कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। तो शिक्षा के बारे में, आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है? ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना। अगर आप आज भाजपा की 5 साल की सरकार के बारे में सोचें, अपने मन में झांक के सोचें कि इन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या आप आगे बढ़ पाए, क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई, क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में, या आप और भी त्रस्त हो गए? चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, आपने देखा कितना आंदोलन किया। यहाँ मैं जानती हूँ गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है? 14,000 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परेशानी है, कितना त्रस्त है। आज खाद नहीं मिलती है उनको, तमाम मुश्किलें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ गए हैं, उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है। कोरोना आया, मैं जानती हूँ कि कितने लोग उत्तराखंड से दिल्ली में काम करते हैं, किस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस पहुंचाया। मैं जानती हूँ कि उनको वहां पे भगवान पर भरोसे छोड़ दिया गया। एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है, खुद संभालो, कैसे पहुंचोगे? पैदल पहुंचो। हमने कहा बसों के कहा हम इंतजाम करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके लिए हमने कहा हम बसों का इंतजाम करेंगे, उसको भी मना कर दिया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में से है। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन बनता है वो पूरे देश के लिए काफी था, हर अस्पताल में पहुंच सकता था। 2020 में कोरोना आया, दूसरी लहर 2021 में थी, आपके पास 1 साल था। उस 1 साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया, आपने वैक्सीन का निर्यात किया, और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना ऑक्सीजन। और किस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना को सहा, अपने प्यारों को खोया, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस किन दिनों से गुजरे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ठीक है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं,
आप जानते हैं कि महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, जहां देखो परेशानी ही परेशानी दिखती है। आप कुछ खरीदने जाते हैं वो महंगा हो गया, खरीद नहीं पाते। आपको किसानी करनी है उसमें कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाना है वो भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, BHEL जैसे उद्योगों को बेचने की योजना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, वही फूल रहे हैं, पल रहे हैं, फल रहे हैं। कल का बजट आपने देखा, कल के बजट में गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या था? कुछ नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे कहा कि हीरे का दाम सस्ता हो गया है, हीरे का दाम सस्ता हो गया और दवा का दाम ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। तो आप सोचिए, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप आंखें कब खोलेंगे? आप सच्चाई कब देखेंगे? जीवन दिख रहा है, हर रोज संघर्ष है, सुबह उठते हैं संघर्ष है। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम नाच रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा, हम नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्टेज पे बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये नाच गाने की बात है? क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। आज उस हक को मांगने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कह रही है हम आपको आपका हक देंगे और आप खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो यहां बैठा है उसको आपने बिठाया है, अब आप आंख खोलिए। आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो संघर्ष के मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है और हक आपका है। अब आपको सब दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां की सरकार ने क्या किया आपके लिए। महामारी आई तो भी आपके साथ नहीं खड़े हुए, महंगाई इतनी हो गई है उसको बढ़ाए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है उसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं है। यहां पास में खनन हो रहा है उसको कोई नहीं रोकता, बड़े बड़े उद्योगपति जो करना चाहे वो कर रहे हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव कांग्रेस पार्टी तभी ला पाएगी जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप समझेंगे कि सरकार का काम आपके लिए दिन रात काम करने का काम है। अगर आपके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, सरकार का काम है कि वो आपको बताएं कि किस तरह से आपके बच्चों को की शिक्षा कराएंगे, किस तरह से आपका भविष्य मजबूत करेंगे, किस तरह से, कहां से आएंगे ये रोजगार। इसीलिए जो घोषणा पत्र बनाया हमने, इसमें हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं कि आप हम पे विश्वास क्यों करेंगे? आप सोच सकते हैं कि हम भी दूसरे दलों के साथ की तरह ऐसे घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी सरकार का काम देखिए। यहां तो आपने देखा इस सरकार के आने से पहले काम हुआ। इसी तरह से जब हमने घोषणा की, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली थी, हमने घोषणा की कि वहां पे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने जब शपथ ली उसके 3 घंटे बाद सारे कर्ज माफ किए गए। तो आपके पास
विकल्प है, कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है जो आपके लिए काम करना चाहती है, जिसके नेता आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जिन्होंने 5 सालों में आप ही के संघर्ष, आपके साथ खड़े होकर आपके संघर्ष देखे हैं, और जो हर बार आप ही की आवाज उठाते हैं, आपके लिए न्याय मांगते हैं, चाहे वो आपके पेंशन की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर संघर्ष करती है। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है, परिवर्तन लाना है और एक ऐसी सरकार लानी है जो आपके लिए काम करे, तो आपको मन बनाना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए। जो आपको यहाँ मंच पे खड़े होकर राजनीतिक दल आते हैं, जो धर्म के बारे में, जाति के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछिए मेरे विकास के बारे में क्या कह रहे हो। उनसे पूछिए कि तुमने 5 सालों में मेरे लिए किया क्या, क्यों दूं अपना कीमती वोट तुमको, क्या किया है मेरे जीवन को सुधारने के लिए। तो इन बातों में से आप गुमराह मत होइए। ऐसी बातों को करने से सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता, कभी फायदा नहीं होता। जब फूट होती है, जब देश में जब लड़ाया जाता है लोगों को, आप परिवार के बारे में सोचिए, आपका परिवार है, 3 भाई हैं, आपका कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है, तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, खुशी से आगे बढ़ रहा है परिवार, अब किसी ने फूट डाल दी, लड़ाई शुरू हो गई, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? और जब घर का मुखिया ही लड़ाई कराए तब क्या होगा, परिवार का नाश होगा, कभी आगे बढ़ नहीं सकता ऐसा परिवार। तो जो आपके सामने आकर ऐसी बातें करते हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उनसे आप अपना हक मांगिए, उनसे कहिए, सकारात्मक बातें करिए, विकास की बातें करिए, शिक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी बातें करिए, बताइए हमारे लिए आप क्या करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। तो मन बना लीजिए, ये ऐसा चुनाव है जिसमें आप उत्तराखंड का भविष्य बदल सकते हैं, आपका अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान को मत भूलिए। और जब भी आपके सामने एक नेता आए, किसी भी पार्टी का हो, उससे ये पूछिए कि वो क्या करने जा रहा है आपके लिए, और जब तक करके नहीं दिखाएगा तब तक दोबारा अपना वोट उसके पक्ष में मत दीजिए। ये बातें करना चाहती थी मैं आपसे कहना चाहती थी कि ये जो आपका वोट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिए। किसी ने कुछ कह दिया कि ये ले लो वोट दे दो, किसी ने बहका दिया, किसी ने कह दिया कि जाति के आधार पर दे दो, धर्म के आधार पर दे दो, बहकना मत। आप अपना हक मांगो और अपने हक के आधार पर अपना वोट दो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, और तभी उन नेताओं को एहसास होगा कि आपके सामने जो झूठ बोलते हैं, जो आपको गुमराह करने का काम करते हैं, कि उनकी बात अब नहीं चलने वाली। तो अब समय आ गया है, खास तौर से मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूं, आप लड़की हो, लड़ सकती हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो, आपका हक है ये सब। आप बच्चों को पालते क्यों हैं? आप उनको, उनकी परवरिश क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिल में ये आशा है ना कि बड़े होके कुछ बनेंगे, बड़े होके सबकी देखभाल करेंगे, उनका भविष्य मजबूत बनेगा। आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, तो इसलिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के हक के लिए लड़िए। और सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा आपका वोट है, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा औजार है, इसका इस्तेमाल करिए ध्यान से, विवेक से और जिम्मेदारी से। तो चुनाव आने वाला है, ये सब बातें करनी थी आपसे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में हमने क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा, हर पार्टी आपको बताए कि आपके लिए करना क्या चाहती है। तो हमारे घोषणा पत्र में
हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। आप सबको तो मालूम ही है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का बहुत नुकसान हुआ है, तो इसके लिए खास पैकेज बनाए जाएंगे और पर्यटन पुलिस पर भर्ती से रोजगार बढ़ाए जाएंगे। तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये शायद हमारे यूपी के घोषणा पत्र से आपने लिया, तो इसको पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं को के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें मैं पूछ रही थी आज कि कैसे करेंगे, तो मुझे बताया जा रहा था कि नए नए तकनीक हैं, आजकल आधुनिक तकनीक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और आप बता रहे थे मुझे कि शायद देवेंद्र जी बता रहे थे कि ड्रोन्स के जरिए भी दवाइयों को पहाड़ी इलाकों में पहुंचाना, इसकी पूरी योजना बनाई है। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में की गई हैं, और मैं प्रतिज्ञा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि इसका मतलब है कि इनको पूरा किया जाएगा। लेकिन पूरे घोषणा पत्र को भी जरूर पढ़िए, इसमें हर जने के लिए कुछ है, किस तरह से हम करना चाह रहे हैं, पूरा खाका तैयार है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और समझें कि कांग्रेस की सरकार आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनेगी और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात काम करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जी जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।